मैं हूं आपका जीएम और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सबसे पहले सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि वह संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर दो में दो का भाग पूरा जाता है, चार में दो का भाग पूरा जाता है, इसी प्रकार छः, आठ, दस, अट्ठाईस, अड़तालीस, बहत्तर, इन सब में दो का भाग पूरा पूरा जाता है। इसलिए ये सभी सम संख्याएं हैं। और आप सम संख्या का पता करने के लिए एक तरीका काम में ले सकते हैं। जैसे यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो और आठ हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में हमेशा दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब जब दो का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो सम संख्याएं हो जाएगी। यानी कि अपन ऐसा भी कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सभी संख्याएं सम संख्याएं होगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सभी संख्याएं कैसी होगी? सम संख्याएं होगी। चलिए विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। यानी कि वह संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो आपकी कैसी संख्याएं होगी? विषम संख्याएं होगी। उदाहरण के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 23, 33 आदि, इनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए ये सभी विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं का भी पता करने के लिए आप तरीका काम में ले सकते हैं। यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक आपका 1, 3, 5, 7, 9 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उनमें दो का भाग नहीं जाएगा, दो का भाग नहीं जाएगा, और जब उनमें दो का भाग नहीं जाएगा तो वो आपकी विषम हो जाएगी। और आप ऐसा भी कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो आपकी विषम होगी। ओके, चलो इससे संबंधित कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे मान लो आप सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ रहे हो, कोई एक सम संख्या है और उसके साथ सम संख्या जोड़ रहे हो तो वापस कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या आएगी। सम के साथ सम जोड़ोगे तो सम संख्या आएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो 8 आपकी सम है और इसके साथ मैं 12 जोड़ता हूँ, 8 भी सम है और 12 भी सम है, 8 और 12 जोड़कर 20, और 20 भी आपकी क्या है? सम संख्या है। यानी कि सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ने पर वापस हमेशा कौन सी संख्या आती है? सम संख्या आती है। अब जैसे मैं विषम के साथ विषम जोड़ लूँ, विषम संख्या के साथ विषम संख्या जोड़ लेता हूँ, तो यदि मैं विषम के साथ विषम संख्या जोड़ूंगा तो भी कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या आएगी। उदाहरण के तौर पर मेरे पास है 7, 7 विषम है और 9 भी विषम है, तो 7 और 9 को जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 16। तो देखो 7 विषम है, 9 भी विषम है और जोड़ने पर आ गया 16, और 16 आपकी क्या है? सम संख्या है। तो सम के साथ सम जोड़ी सम, विषम के साथ विषम भी जोड़ी तो भी सम। अब एक चीज़ बच गई, वो क्या है? सम के साथ विषम जोड़ लूँ, सम के साथ विषम जोड़ लूँ, यदि मैं सम के साथ विषम संख्या जोड़ूंगा तो सदैव कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या आएगी। उदाहरण के तौर पर 4 आपकी क्या है? सम संख्या है, इसके साथ मैं जोड़ लेता हूँ 7, 4 है सम, 7 है विषम, जोड़ूंगा तो आएगा 11, और 11 भी क्या है? विषम। तो देखो सम के साथ सम संख्या जोड़ने पर सम संख्या आएगी, विषम संख्या के साथ विषम संख्या जोड़ने पर सम संख्या आएगी, सम के साथ विषम जोड़ने पर विषम आएगी। बाकी वीडियो ऐसी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।